जी, इस फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा डिस्क्लोज तो नहीं कर पाऊँगी, पर यह है कि एक न्यू कमर की हैसियत से मुझे बड़ा ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही हार्ड हिटिंग रोल मिला है। इसमें परफॉर्मेंस का स्कोप बहुत है, ऐसा नहीं है कि मुझे पेड़ों के बीच में हीरो के साथ भागना है या गाने गाने हैं बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो पहली फिल्म के हिसाब से आई थिंक मुझे बहुत ही अच्छा लॉन्च मिला है एंड इसी तरह काम करती रहूँगी, ये मेरा वादा है। जी, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि म्यूज़िक वीडियो के बाद, मतलब मेरा म्यूज़िक वीडियो आया आज से एक महीने पहले एंड इस एक महीने में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। एक मूवी भी मिल चुकी है और बाकी सारी मूवीज़ की बात चल रही है। इट्स सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है, इतनी तेज़ी से हो रहा है कि मुझे खुद ही बिलीव करने का मौका नहीं मिला अब तक, पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बस आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड माई पेरेंट्स फॉर दिस। जी नहीं, इस फिल्म में तो कुछ गा नहीं रही हूँ, पर हाँ एक ट्रेन क्लासिकल सिंगर हूँ, गाती हूँ और एक इंटरनेशनल वीडियो में गा रही हूँ। जी वो जब मैंने कभी यार कभी पार स्क्रीन पर आई थी तब एक लंदन बेस्ड आर्टिस्ट ने मुझे अप्रोच किया, HMV को अप्रोच किया एंड उसके बाद बातें चली तो उन्हें लगा कि कभी यार कभी पार भी मैंने ही गाया है, जो फनीली मैंने नहीं गाया था, सोना एक सिंगर उन्होंने गाया है। एंड क्या हुआ कि जब उन्हें पता चला कि मैं ट्रेन क्लासिकल सिंगर हूँ तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप क्यों नहीं गाते, तो मैंने कहा कि वेस्ट के लिए है एंड जो गाता है वही परफॉर्म भी करता है वीडियोस में, तो आई थॉट इट्स अ वेरी गुड थिंग। और फिर उन्होंने मुझे एकदम से सरप्राइज कर दिया कहकर कि इस गाने में बियॉन्से भी हैं, तो जब 10 सेकंड का कैमियो कर रही हैं, तो आई वाज लाइक कि और आई मीन व्हाट मोर कैन वन आस्क फॉर, तो इट वाज ग्रेट। कभी यार कभी पार के बाद आपको काफी ऑफर्स। जी जी जी, क्या खास चीज लगी इस रोल में या इस फिल्म में जो आपने? जी, फर्स्ट थिंग, दिस रोल इज़ एक इमेज ब्रेकिंग रोल है। कभी यार कभी पार में इट्स अ वेरी हॉट सॉन्ग, मुझे लोगों ने मेरे डांस को देख लिया, मेरे लुक्स को देख लिया, पर अब एक एक्टिंग को देखना है उन्हें, तो आई थिंक इस मूवी में मैं प्रूव कर दूंगी कि एक्टिंग में भी मैं बाजी मार सकती हूँ। वीडियो करने से पहले मैं फेमिना मिस इंडिया 2004 की पार्टिसिपेंट रह चुकी हूँ एंड मिस इंडिया बनना मेरा सपना था। अब मुझे पता नहीं था, जब मिस इंडिया नहीं बन पाई तो मैंने सोचा था कि आई वॉज यंगेस्ट कंटेस्टेंट ओवर देयर, तो मैंने सोचा था कि बाकी साल पड़े हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, पर अब चीज़ें एकदम अलग ही हो गई हैं, तो आई डाउट विद आई बी एबल टू पार्टिसिपेट, तो शायद वो सपना सपना ही रहे, पर अगर मौका मिले तो शायद, जो मौका तो सिर्फ 10% चांसेस लग रहे हैं अब। फिल्मों के ऑफर काफ़ी आ रहे हैं तो शायद उस पर ही ध्यान दूंगी अब। जी जी, जी ऐसी कोई बात नहीं है कि हॉट हो या कोल्ड म्यूज़िक वीडियो हो, ये एक सच्चाई है कि जो शॉकिंग होता है वही बिकता है, वही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मेरा वीडियो शॉकिंग तो है नहीं, पर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो अट्रैक्टिव हैं और आजकल लोगों को नए चेहरों की तलाश है, तो आई थिंक म्यूज़िक वीडियोज़, फेमिना मिस इंडिया एड्स, पूरी मॉडलिंग की दुनिया में अलग अलग चेहरे आते हैं, और अगर उसके बाद वो बॉलीवुड में भी जाए तो क्या बुराई है, एक्चुअली लोग ही तो उन्हें अप्रोच करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि म्यूज़िक वीडियो के बाद ही, मतलब एक लैडर है, आई मीन इवन इट्स लाइक अ गिव एंड टेक। तो आई डोंट थिंक सो, जूही चावला वॉज अ मॉडल, शी इज़ अ मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस। आज के दौर में बिपाशा बासु, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, दे आर ऑल अ वेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस एंड मॉडल, वो जो एक क्लीशे यू नो एक मिथ था कि मॉडल अब एक्ट नहीं कर सकते, अब मॉडलिंग एक जरिया है बॉलीवुड में पहुँचने का, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है जो लोग कहते हैं कि मॉडल्स एक्ट नहीं कर सकते। आई थिंक ये ट्रेंड बदल रहा है, मॉडल्स बिल्कुल एक्ट कर सकते हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं होती कि मॉडल्स को एक्टिंग स्किल्स सीखने पड़ते हैं, ये बस एक लक की बात है कि मुझे या कोई भी मॉडल को मूवी मिल जाती है या बिना मॉडलिंग के भी किसी को एक पहला लॉन्च मिल जाता है, पर एक्टिंग आई थिंक सीखने से कुछ कोई आदमी सीख नहीं सकता, वो अंदर से होना चाहिए। मैंने आज तक लाइफ में डांस नहीं सीखा है, पर फिर भी मैं आई नो हाउ टू डांस एंड एक्टिंग के लिए भी मैं यही कह सकती हूँ, आई हैव नेवर लर्न एक्टिंग बट आई कैन प्रॉमिस यू वेरी गुड परफॉर्मेंस। It's a very sensitive love story, but I wouldn't call it a triangle love story. But I can't say more than this. Thank you. अब हम किसी को कुछ रोक तो नहीं सकते कुछ बनाने से, पर एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस वही पसंद करती है जो अच्छा है, एंड आई थिंक आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा है।